नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, गंगा पर अब एक और पुल। पटना से बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और समस्तीपुर आना जाना होगा आसान, घट जाएगी तीन राज्यों की दूरी भी। जी हां, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और समस्तीपुर से पटना आने जाने के लिए अच्छी खबर है। बिहार में गंगा नदी पर एक और पुल बनने जा रहा है। बेगूसराय के मटिहानी समूह के बीच बनने वाला यह पुल बिहार में गंगा पर 15वां पुल होगा। केंद्र सरकार ने थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को इसकी डीआरपी के लिए काम दे दिया है। इसके बाद डीपीआर बनेगी। गंगा नदी पर जो पुल बनेगा उससे पटना से बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और समस्तीपुर आना जाना आसान होगा। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश पर एनएचएआई ने जिस स्थान पर पुल बनाने की संभावना तलाशने का काम शुरू कर दिया था, वह रास्ता पहले समूह नेपाल मार्ग के नाम से जाना जाता था, मगर अब वह मटिहानी सामो पुल के नाम से जाना जाता है। बड़ी खबर, एनडीए ने बिहार में करा दिया राज्यसभा के लिए नामांकन। महागठबंधन जिसे दे रहा है और सभी ठुकरा रहे हैं। जी हां, राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने पहला कदम बढ़ा दिया है। सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में नामांकन भरा है। सियासी गणित के मुताबिक एनडीए के पास जो आंकड़ा है जिससे पूर्व डिप्टी सीएम राज्यसभा पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुमत की दहलीज से उम्मीदवार उतार कर एनडीए की परेशानियों पर बल ला सकता है। अभी तक महागठबंधन ने उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं किया है। ऐसे में राजद के नेताओं की माथापच्ची चल रही है। राजद की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, शिवचंद्र राम, समता देवी जैसे नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन ये नेता स्पीकर चुनाव में अवध बिहारी चौधरी की हार को देखते हुए असमंजस में पड़े हुए हैं। पटना एम्स में वैक्सीन के तीसरे चरण की होगी शुरुआत। ट्रायल में शामिल होने के लिए मांगा लोगों से सहयोग। जी हां, पटना एम्स में बहुत जल्द कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल होगा। इसके लिए संस्थान ने लोगों को आमंत्रित किया है। दो चरण के सफल ट्रायल के बाद अब तीसरे चरण का पूरा जोर है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति दे दी है, जिसके बाद एम्स ने मोबाइल नंबर जारी किया है। पटना एम्स में पहले चरण में 30 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया था। यह परीक्षण पूरी तरह से सफल हुआ था। दूसरे चरण में 48 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया था। दोनों परीक्षण पूरी तरह से सफल हुआ। अब तीसरे चरण के लिए काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि पटना एम्स ने बताया है कि तृतीय चरण के लिए ट्रायल में 18 से 60 वर्ष के स्वस्थ लोगों को रखा जाएगा। अगर आप इस ट्रायल में भाग लेना चाहते हैं तो इसके लिए पटना एम्स ने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जिस पर फोन करके वैक्सीन का ट्रायल दिया जा सकता है। मोबाइल नंबर 9471408832 और 9919688888 पर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति फोन कर ट्रायल दे सकता है। बिहार में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच अब 1500 नहीं 800 में और रैपिड एंटीजन टेस्ट 250 रुपये में ही होगा। जी हां, अब निजी लैब में आरटीपीसीआर कोरोना जांच 800 रुपये में होगी। इसकी दर पहले 1500 रुपये प्रति जांच निर्धारित थी। मरीज के निवास स्थान से सैंपल लिए जाने के लिए पहले से निर्धारित दर 300 रुपये प्रति जांच ही रहेगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट 250 रुपये में होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। आईसीएमआर द्वारा कोरोना जांच की अनुमति निजी लैब को पहले ही दे दी गई थी। अगला अपडेट है इंटर स्तरीय संयुक्त पीटी के रिजल्ट की। हाईकोर्ट ने कहा 15 दिन में मॉडल आंसर वेबसाइट पर अपलोड करके अभ्यर्थी से आपत्ति मांगे, एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराए। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का लगातार गलतियों करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। कभी पेपर लीक के कारण तो कभी रिजल्ट में पारदर्शिता नहीं बनने का कारण आयोग गलतियों का अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाए हुए है। कोर्ट ने आयोग द्वारा परीक्षा संचालन में पारदर्शिता की कमी को लेकर यह टिप्पणी की।
न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने अनिल कुमार शर्मा व अन्य की रिट याचिका पर मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2014 में विज्ञापित पहले इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के पीटी रिजल्ट से संबंधित मॉडल उत्तर पत्र एक हफ्ते में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके अभ्यर्थी से आपत्ति सलाह आमंत्रित करने का आदेश दिया है। 35 पन्नों के फैसले में हाईकोर्ट ने पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिए आयोग को 10 बिंदुओं पर दिशा निर्देश भी जारी किया है। बड़ी खबर, कमर्शियल गैस सिलेंडर साढ़ा अब 1426.50 पैसे में नहीं 1482 रुपये में ग्राहकों को मिलेगा। जी हां, तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 55.5 रुपये का इजाफा किया है। बढ़ोतरी के बाद पटना में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब बढ़कर 1482 रुपये हो गई है। बढ़ी हुई कीमत मंगलवार 1 दिसंबर से लागू हो गई है। 1 नवंबर को भी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 76 रुपये बढ़े थे। वहीं गैर सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसकी कीमत 692.50 पैसे रुपए ही है। सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में भी बदलाव नहीं हुआ है। दिन चढ़ने के साथ पटना की हवा हो रही है प्रदूषित। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 193, शाम को हो गया 363। जी हां, वायु प्रदूषण के मामले में मंगलवार को शाम 6 बजे पटना रेड जोन में रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 रिकॉर्ड किया गया, जो सोमवार की अपेक्षा 11 अंक अधिक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक तारामंडल के आसपास जहरीली हवा का क्षेत्र बना रहा है। यहां एयर क्वालिटी लेवल 363 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राजवंशी नगर में AQI लेवल 301 रहा। पटना में मंगलवार की सुबह प्रदूषण स्तर सामान्य था। सुबह 11 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रहा। सड़कों पर वाहन की संख्या बढ़ने के साथ ही प्रदूषण स्तर में भी लगातार वृद्धि होती गई, जिसके बाद शाम 5:30 बजे पटना एयर क्वालिटी इंडेक्स 299 रहा, जो शाम 6:30 बजे 302 तक पहुंच गया। बड़ी खबर, 35 लाख पेंशन पाने वालों को मिलेगा लाभ। पेंशनधारी 28 फरवरी तक जमा कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। जी हां, पेंशनधारी अब अगले साल 28 फरवरी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि बढ़ा दी गई है। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से पेंशन पाने वाले वे सारे पेंशनधारी शामिल होंगे जिन्हें किसी भी माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बाकी है। अभी तक पेंशनर द्वारा अपना जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर तक जमा करने का प्रावधान है। यह जमा करने की तिथि से अगले एक वर्ष तक के लिए वैध होती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विभिन्न माध्यमों यथा 3.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर, पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक की शाखाओं और 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बिहार में गया रहा सबसे अधिक सर्द। सर्द हवा के बीच कनकनी बढ़ी। जी हां, मौसम के उतार चढ़ाव के बीच सर्दी फिर से बढ़ गई है। मंगलवार को गया फिर से राज्य में सबसे कम तापमान वाला जिला में रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी बढ़ने के साथ सर्द हवा के बीच कनकनी बढ़ गई है। मंगलवार को गया का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री व अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सोमवार को गया का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री व अधिकतम। बड़ी खबर, बिहार में अब नियोजित शिक्षक भी बनेंगे सरकारी स्कूल के हेडमास्टर, तय होगी प्रक्रिया। राज्य सरकार अपने पूर्व की घोषणा के अनुसार मध्य से माध्यमिक स्कूल में नियोजित शिक्षकों को हेडमास्टर बनाने जा रही है। इसकी प्रक्रिया तय करने के संबंध में शिक्षा विभाग के शीर्ष अफसर मंथन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष एक विभागीय उच्च समिति अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है। जानकारों के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को अभी इन स्कूलों में हेडमास्टर नहीं बनाया जाता, लेकिन हाल ही में घोषित नियमावली में इसका प्रावधान भी किया गया था। फिलहाल शिक्षा विभाग इसकी प्रक्रिया तय करने को फाइनल टच देने जा रही है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में निर्णय लेने के लिए सचिवालय में उच्च अधिकारियों की विशेष मीटिंग बुलाई है। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी, राज्य में पिछले 24 घंटों में 680 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,36,778 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल
6,144 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 133 नए मामले सामने आए। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना से 4 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1268 तक पहुँच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 567 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। बड़ी खबर, आज खुले बिहार में म्यूजियम, पर्यटकों में खुशी, नए सुरक्षा नियम लागू। जी हां, कोरोना संक्रमण को लेकर किए गए लॉकडाउन के कारण शहर के संग्रहालय बंद थे। मंगलवार को करीब 8 महीने के बाद बिहार म्यूजियम और पटना संग्रहालय को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। महीनों बाद खुले संग्रहालय में सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए पर्यटकों को म्यूजियम के अंदर एंट्री दी गई। मंगलवार को संग्रहालय में पहुंचने वाले पर्यटकों को सबसे पहले हैंड सैनिटाइजर कराया गया। इसके बाद सभी लोगों को बारी बारी से थर्मल स्कैनिंग करके संग्रहालय के अंदर प्रवेश की अनुमति दे दी गई। बिना मास्क के किसी भी पर्यटकों को म्यूजियम के अंदर एंट्री नहीं दी गई। बड़ी खबर, कोर्ट की मंजूरी मिलते ही बिहार में बहाल होंगे 90,000 शिक्षक, दिसंबर नियुक्ति का रास्ता हो सकता है साफ। जी, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना पाल रहे करीब 90,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार इस माह खत्म हो सकता है। अलग अलग मामलों में चल रहे वाद में अगर न्यायालय का क्लियरेंस मिल गया तो आदेश आते ही शिक्षा विभाग इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देगा। विभाग पहले से ही इसको लेकर तैयारी में जुटा है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में 30,000 तो मध्य में करीब 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। गौरतलब है कि जुलाई 2019 में शिक्षा विभाग ने करीब 1,25,000 शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया आरंभ की थी। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत प्रारंभिक विद्यालय में रिक्त पड़े करीब 94,000 जबकि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को 30,020 पदों पर नियोजन आरम्भ हुआ था। बड़ी खबर, बीपीएससी 64वीं का इंटरव्यू 23 दिसंबर तक 1465 पदों पर होगी नियुक्ति। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग ने 64वीं का साक्षात्कार मंगलवार से शुरू कर दिया है। इसकी प्रक्रिया 23 दिसंबर तक चलेगी। इसमें कुल 3799 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। पहले चरण में 1600 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। आयोग ने फैसला लिया है कि पहले उन छात्रों का साक्षात्कार कराया जाएगा जिन्होंने कोरोना की जाँच करा ली है और वे निगेटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार बाद में होगा। इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा सहित राज्य की अन्य सेवाओं के लिए इनका साक्षात्कार लिया जाएगा। आयोग ने संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमेंद्र कुमार ने बताया कि 6 दिसंबर से 31वीं बिहार न्यायिक सेवा की परीक्षा होगी। इसकी तैयारी हो चुकी है। इस परीक्षा में 33,000 छात्र शामिल होंगे। वही 27 दिसंबर को 64वीं प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें भी 3.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जाएगा। बिहार के गांवों में ग्रामीणों को अब नहीं देना होगा होल्डिंग टैक्स, कैबिनेट की मुहर जल। जी हां, बिहार के गांवों में ग्रामीणों को अब नहीं देना होगा होल्डिंग टैक्स। ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त करने को लेकर उन्हें टैक्स वसूली का अधिकार दिए जाने को लेकर बन रही नियमावली से गांवों में होल्डिंग टैक्स लेने का प्रावधान हटा दिया गया है। पूर्व में नियमावली के प्रारूप में गांव के पक्के मकानों से होल्डिंग टैक्स के रूप में मामूली राशि लिए जाने का प्रावधान किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने मकानों को भी इससे अलग रखा गया था, पर अब पूरी तरह से इस प्रावधान को हटाकर प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि विभाग द्वारा बनाई जा रही नियमावली में मोबाइल टावर और हाट बाजारों आदि से टैक्स वसूली का अधिकतर पंचायतों को देने का मंथन चल रहा है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।